कहते हैं कि समय का पहिया कभी उल्टा नहीं घूमता। वेल, शुक्र है कि इस पहिए का गियर क्रिस्टोफर नोलन के पास नहीं है, वरना सूरज पश्चिम से निकलता, हम हर साल जवान होते, पेड़ पौधे बनते और माइकल जैक्सन का मून वॉक अर्थ वॉक बन जाता। वेल, जिन्होंने टीनेट मूवी देखी है उन्हें समझ में आ रहा होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। टीनेट क्रिस्टोफर नोलन की सबसे एम्बिशियस, कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग मूवी है, जिसे पहली बार कोई भी देखकर समझ नहीं सकता, और यही चीज क्रिस्टोफर नोलन की इस मूवी को इतना ज्यादा खास और लोगों के बीच में पॉपुलर बनाती है, और खासकर हमारे सब्सक्राइबर्स के बीच जिन्होंने न्यू ईयर पर हमारी कम्युनिटी पोस्ट पे इस टॉपिक को वोट किया था। साथ ही साथ आप में से कई लोगों ने हमें इस टॉपिक को कई बार कमेंट करके भी सजेस्ट किया है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए अब इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम द टीनेट मूवी फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि टीनेट मूवी का टाइटल और इसके कैरेक्टर्स के नाम किस एंशिएंट राइटिंग से इंस्पायर्ड हैं, क्यों इस मूवी के लिए सालों तक क्रिस्टोफर नोलन ने अपनी फेवरेट जेम्स बॉन्ड की मूवीज नहीं देखी, इस मूवी के इन्वर्जन के शॉट्स को किस तरह से फिल्माया गया और ये कितना चैलेंजिंग था, कैसे हुआ इस मूवी का प्लेन डिस्ट्रॉइंग वाला सीन, और इस मूवी की लॉजिक में आखिर कितना दम है, ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमो को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। क्रिस्टोफर नोलन के टीनेट मूवी के आइडिया पर काम करने के लिए उन्हें 20 सालों तक का वक्त लगा, जहां पर उन्होंने अपनी करियर के वेरियस पॉइंट से इंस्पिरेशन लेकर इस मूवी के कहानी को शेप देना शुरू किया, और 2014 में जाकर उन्होंने अपनी इस कहानी को स्क्रिप्ट में बदलना शुरू किया, तब जब उनकी इंटरस्टेलर मूवी रिलीज हुई थी। इस मूवी का इनिशियल वर्किंग टाइटल मैरी गो राउंड होने वाला था, क्योंकि जिस तरह का मूवी का कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से मूवी में जहां पर कहानी खत्म होती है वहीं से मूवी की कहानी शुरू होती है, लेकिन ये मूवी का एक इम्पैक्टफुल टाइटल नहीं लग रहा था, जिसके कारण क्रिस्टोफर नोलन ने सन 79 एडी में बर्बाद हुए पोम्पी शहर के अवशेषों में मिले सेटर स्क्वायर में लिखे टेनेट शब्द को फाइनल किया। अब जब सेटर स्क्वायर की बात चली ही है तो सेटर स्क्वायर के बारे में थोड़ा और जान लीजिए, क्योंकि मूवी में इसका और भी जगहों पर बहुत इस्तेमाल किया गया है, जिसमें टेनेट शब्द एक पैलिंड्रोम है। अब पैलिंड्रोम उन शब्द या अक्षरों को कहते हैं जिन्हें सीधा या उल्टा पढ़ने से भी उनका मतलब एक ही निकलता है, और सेटर स्क्वायर के अंदर और भी कई शब्द हैं जिनका इस्तेमाल मूवी के अंदर किया गया है, जैसे सेटर, जिसके नाम पर आंद्रे सेटर का नाम रखा गया है, वहीं पर आरेपो उस पेंटर का नाम था जिसके साथ कैट अफेयर में इन्वॉल्व थी, और ओपेरा वो लोकेशन थी जहां पर मूवी की शुरुआत होती है, वहीं पर रोटास वो सिक्योरिटी कंपनी थी जिसका मेंबर बन के प्रोटैगनिस्ट हमला करने जाता है। क्रिस्टोफर नोलन जेम्स बॉन्ड और स्पाई जॉनरा मूवी के बहुत बड़े फैन हैं, और भले ही इस मूवी के अंदर बहुत ज्यादा स्पाई और एस्पियोनेज एक्शन दिखाया गया हो, लेकिन इस मूवी के काम करने के दौरान क्रिस्टोफर नोलन ने खुद को स्पाई मूवीज और कहानियों से बहुत ज्यादा दूर रखा था, और उन्हें अपनी फेवरेट सीरीज जेम्स बॉन्ड को देखे कई सालों तक का वक्त हो गया था। वेल, ये सारी की सारी त्याग और तपस्या उन्होंने इसीलिए की ताकि वो सबकॉन्शियसली भी किसी स्पाई मूवी या उसकी कहानी से भी इंस्पायर्ड ना हो। टीनेट मूवी की सीक्रेसी सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस से ही मेंटेन नहीं की गई थी, बल्कि टीनेट मूवी के स्टार कास्ट को भी इस मूवी के बारे में बहुत ज्यादा सीक्रेटिव रखा गया था। एग्जांपल के रूप में माइकल केन, जिन्होंने इस मूवी के अंदर बहुत ही छोटा सा पार्ट प्ले किया है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइन्स ही दी गई थी, और उन्हें इस मूवी के कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा भी हिंट नहीं दिया गया था, बावजूद इसके कि माइकल केन क्रिस्टोफर नोलन के साथ कई बार काम कर चुके हैं। वहीं पर इस मूवी के लीड कास्ट यानी कि रॉबर्ट पैटिंसन और जॉन डेविड वॉशिंगटन को उनके स्क्रिप्ट्स को वार्नर ब्रोस के ऑफिस में बंद कमरों में पढ़ाया जाता था, जहां पर जॉन डेविड वॉशिंगटन को पूरी की पूरी स्क्रिप्ट को पढ़ने में 5 घंटों तक का वक्त लगा था, क्योंकि वो चीजों को समझने के लिए बार बार पन्नों को आगे और पीछे पलट रहे थे। बहुत लंबे समय बाद ये पहली बार था जब क्रिस्टोफर नोलन ने म्यूजिशियन हांस जिमर का साथ न करके नए म्यूजिशियन लडविग गैरसन को हायर किया, क्योंकि बेसिकली हांस जिमर वार्नर ब्रोस के आने वाली ड्यून मूवी की म्यूजिक को कंपोज करने में बिजी थे। जब कोरोना वायरस पैंडेमिक राइज पर था तब इस मूवी की 20% म्यूजिक कंपोज करनी बाकी थी, इसीलिए बचे हुए म्यूजिक को लडविग गैरसन ने अपने घर में ही कंपोज और रिकॉर्ड किया है, जहां पर उन्होंने कई सारे रेट्रोग्रेड कंपोजिशंस को रिसर्च करना शुरू किया, जिसके कारण इस मूवी का साउंडट्रैक भी एक रेट्रोग्रेड कंपोजिशन ही है, इसीलिए अगर आप इन साउंडट्रैक्स को रिवर्स करके भी सुनेंगे तो आपको वैसे ही साउंड करेंगे जैसा वो सीधा साउंड करते हैं। भले ही रॉबर्ट पैटिसन का कैरेक्टर मूवी के अंदर स्पाई था, बावजूद इसके उन्होंने अपने कैरेक्टर को किसी भी रियल या फिक्शनल स्पाई के ऊपर मॉडल नहीं किया है।
इसके बजाय उन्होंने अपनी कैरेक्टर के एक्सेंट और उसके मैनरिज्म को ब्रिटिश अमेरिकन ऑथर और जर्नलिस्ट क्रिस्टोफर हिचेंस के ऊपर मॉडल किया है। उनके हिसाब से अगर वो चाहते तो वो अपनी नेटिव लंदन एक्सेंट का भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन उनके हिसाब से कैरेक्टर को प्ले करने के दौरान अपनी नेचुरल एक्सेंट को यूज करना एक चीटिंग की तरह होता है, इसलिए उन्होंने इस चैलेंज को उठाया। हम सभी जानते हैं कि क्रिस्टोफर नोलन को अपनी मूवीज के लिए आईमैक्स कैमरा यूज करना कितना ज्यादा पसंद है, और यह हम ऑडियंस के लिए भी उनके मूवी के इमर्सिव एक्शन का हिस्सा बनने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। लेकिन मूवीज के अंदर आईमैक्स कैमरास को यूज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसके कारण आईमैक्स के लिए स्पेशल लेंसेज और रिग्स बनाए गए। साथ ही साथ इन्हें कार्स के चेस सीक्वेंसेस में भी कार्स के ऊपर अटैच किया गया, और फिल्म के रेडी होने के बाद इस मूवी के डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी होयत वॉन होयतेमा के हिसाब से इस मूवी के लिए क्रिस्टोफर नोलन ने 1.6 मिलियन फीट आईमैक्स फुटेज रिकॉर्ड किया है, जो उनकी किसी भी और मूवी से बहुत ज्यादा है। क्रिस्टोफर नोलन ने कैट का रोल प्ले करने वाले एलिजाबेथ डिबी की कैरेक्टर को उन्हें ध्यान में रख के ही लिखा था, जहां पर क्रिस्टोफर नोलन की वाइफ एमा थॉमस ने उनकी 2018 की द विडोज देखी थी। बाद में क्रिस्टोफर नोलन ने भी उनकी दूसरी मूवीज 2013 की द ग्रेट गैट्सबी और द नाइट मैनेजर भी देखी, और उन्हें बिना ऑडिशन के ही ये रोल ऑफर किया। लेकिन एलिजाबेथ डिबेकी ने अपने रोल के लिए ऑडिशन देने को क्रिस्टोफर नोलन को खुद इंसिस्ट किया, जिसके कारण उनका ऑडिशन भी लिया गया। वहीं पर दूसरी ओर क्रिस्टोफर नोलन ने नील का रोल प्ले करने वाले रॉबर्ट पैटिसन की 2017 की गुड टाइम और 2016 की द लॉस्ट सिटी ऑफ जी मूवीज देखी थी। वहीं पर जॉन डेविड वॉशिंगटन को उनके रोल का ऑफर क्रिस्टोफर नोलन ने उनकी HBO सीरीज बॉलर्स में उनकी परफॉर्मेंस को देख कर दिया था। वहीं पर वो उनकी 2018 की ब्लैक की क्लैंसमैन मूवी के परफॉर्मेंस से भी काफी ज्यादा इम्प्रेस थे। इस मूवी का ओपनिंग ओपरा वाला सीक्वेंस 2002 के मॉस्को हॉस्टेज क्राइसिस से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है, जहां पर 23 अक्टूबर 2002 को मॉस्को के दब्रोक्वा थिएटर में कुछ आर्म्ड रेबेलियंस ने ऑडियंस को अपना हॉस्टेज बनाया था, और जब बात अथॉरिटीज के हाथ से बाहर निकल गई, तो 3 दिन बाद अथॉरिटीज ने एक बहुत ही पावरफुल बेहोश करने वाली गैस पूरे के पूरे थिएटर के अंदर छोड़ दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये गैस इतनी ज्यादा पावरफुल हो गई कि इससे 204 हॉस्टेजेस की वहीं पर मौत हो गई। आपको शायद जानकर यकीन ना हो, पर इस मूवी के अंदर बहुत सारे सीक्वेंसेस के लिए बहुत ही कम विजुअल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया है, और इस मूवी के अंदर टोटल 280 विजुअल इफेक्ट शॉट्स हैं, जो क्रिस्टोफर नोलन की बाकी मूवी से बहुत ज्यादा कम है। और यही वजह है कि इस मूवी के कई सारे इन्वर्जन शॉट्स के लिए सीन्स को दो दो बार शूट किया जाता था। साथ ही साथ एक्टर्स को अपने सीन्स को रिवर्स में करना तो सीखना पड़ा ही था, ऊपर से उन्हें उल्टा बोलना तक सीखना पड़ा था, और ये चीज आंद्रे सेटर का रोल प्ले करने वाली केनेथ ब्रेंगा के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि उन्हें रशियन एक्सेंट में उल्टा बोलना सीखना पड़ा था, ऊपर से उनकी नेटिव एक्सेंट आयरिश है। आप सबको इस मूवी का प्लेन वाला वो मेमोरेबल सीन तो याद ही होगा, वेल वो भी CGI नहीं था, और यहाँ पर एक असली 747 एयरप्लेन को हैंगर के अंदर घुसाया गया था। डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन ने पहले इस सीन के लिए पहले मिनिएचर्स को इस्तेमाल करने का प्लान किया था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि कैलिफोर्निया के विक्टर वाइल एयरपोर्ट पर कई सारी प्लेन्स ऐसे ही पड़ी हैं, तो उन्होंने उनमें से एक प्लेन को खरीदने का प्लान बनाया और उसी एयरपोर्ट के हैंगर पर इस प्लेन को दे मारा। और जब बात पैसे बहाने की चली रही है, तो एक और बात सुन लीजिए। मुंबई के अंदर ताजमहल होटल के पास चांद नाम का एक रेस्टोरेंट का सेट बनाया गया था, इस उम्मीद में कि अगर इस सेट की जरूरत पड़ी तो इसका भी जरूर इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन मुंबई में पूरी शूटिंग के दौरान इस सेट का कहीं पर इस्तेमाल ही नहीं किया गया, और शूटिंग के खत्म होने के बाद इस सेट को तोड़ दिया गया। वहीं पर इस मूवी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कार चेस सीक्वेंस भी शूट करने में बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था, जहां पर एस्टोनिया के तलिन शहर के एक हाईवे का 8 किलोमीटर इस्तेमाल किया गया, और इस सीन को शूट करने में 3 हफ्तों का वक्त लगा, और ऑब्वियसली यहां पर भी विजुअल इफेक्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जिसके कारण यहाँ पर कार्स को सचमुच फॉरवर्ड और रिवर्स में ड्राइव किया गया है, और इन्हें ड्राइव करने के लिए क्रिस्टोफर नोलन ने कई सारे स्टंट ड्राइवर्स को हायर किया था, जो उनके साथ द डार्क नाइट मूवीज में भी काम कर चुके थे। लास्ट के क्लाइमेटिक सीन्स के लिए एक्टर्स के साथ साथ 100 से भी ज्यादा एक्स्ट्रा स्टंटमैन को हायर किया गया था, क्योंकि मूवी के क्लाइमेक्स सीन के अंदर जिस जगह को अबैंडन साइबेरियन सिटी बताया गया है, वो बेसिकली ईगल माउंटेन कैलिफोर्निया का लोकेशन था, जहां पर उस समय बहुत ज्यादा गर्मी थी। इसीलिए क्रिस्टोफर नोलन की ये कंडीशन थी कि जितने भी स्टंट मैन इस मूवी के लिए यूज किए जाएंगे, वो सारे के सारे एक्स मिलिट्री ऑफिसर होने चाहिए, जो हार्श लोकेशन और माहौल में काम करने के आदि हों। भले ही इस मूवी के अंदर बड़े बड़े साइंटिफिक टर्म्स और लॉजिक्स का इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया हो,
पर ये मूवी साइंटिफिक कम और ये क्रिस्टोफर नोलन की इमेजिनेशन ज्यादा है। इसलिए अगर आप भी साइंस की किताब में टाइम इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट खोजने की कोशिश कर रहे हैं तो आपकी कोशिश बेकार है। फिर भी इस मूवी को रियलिटी में ग्राउंडेड रखने के लिए कई सारे लूज एंड्स और लॉजिक्स को अमेरिकन फिजिसिस्ट किप थ्रोन ने दुरुस्त किया, जिन्होंने क्रिस्टोफर नोलन की इंटरस्टेलर मूवी की साइंस को एक्सप्लेन करने में बहुत ज्यादा हेल्प की थी, और उस मूवी का ब्लैक होल भी इन्हीं का डिजाइन था। मूवी मेकिंग के अंदर क्रिस्टोफर नोलन का नाम इतना ज्यादा बड़ा हो चुका है कि अब ऑडियंस इसी बात पर एक्साइटेड हो जाती है कि क्रिस्टोफर नोलन किसी नई मूवी पर काम करने वाले हैं, और वार्नर ब्रोस के साथ उनके सक्सेस रेट ने ही उन पर वार्नर ब्रोस का भरोसा बहुत ज्यादा मजबूत किया। यही कारण है कि क्रिस्टोफर नोलन के इस एक्सपेरिमेंटल आइडिया पर वार्नर ब्रोस ने $206 मिलियन खर्च किए हैं, पर फिर भी वार्नर ब्रोस के इस भरोसे की कमर कोरोना वायरस ने तोड़ दी, क्योंकि ओरिजिनली इस मूवी को 17 जुलाई 2020 को रिलीज करने का प्लान किया गया था, और मूवी के कई सारे रिलीज डिलेज के चलते इस मूवी को 200 से लेकर $400 मिलियन तक का मार्केटिंग नुकसान झेलना पड़ा। फाइनली 26 अगस्त 2020 को इस मूवी को कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, रशिया और यूनाइटेड किंगडम में लिमिटेड स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया, और फाइनली इस मूवी ने 27 दिसंबर तक $362 मिलियन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया। लेकिन फिर भी मूवी के बजट और मार्केटिंग में हुए नुकसान को मिलाकर इस मूवी का $100 मिलियन का घाटा एस्टिमेट किया गया, जो एक हिसाब से बहुत ज्यादा बड़ा है। तो गाइज, ये थे 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द टीनेट मूवी फैक्ट्स। अगर आपको साल की ये पहली 15 फैक्ट वाली वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में बताए कौन से नंबर के फैक्ट्स बहुत ज्यादा पसंद आए, और साथ ही साथ मुझे ये भी जरूर बताइएगा कि आपको टीनेट मूवी समझ में आई कि नहीं, क्योंकि ऑनेस्टली मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ कि मुझे ये मूवी पूरी तरह से समझ में आ चुकी है। इसके अलावा इस चैनल पर 15 फैक्ट्स के अलावा भी और भी बहुत कुछ इस साल आने वाले हैं, तो उन सबको मिस ना करने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।